हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, मेरा नाम हसन आसर है और मैं हूं माद लतीफ और आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी वांट्स इंडिया इन अफगानिस्तान। जो कि आपको मैं बताते चलूं कि इंडिया ने ईरान की स्पेस एजेंसी को यूज किया, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को यूज नहीं किया, उसका भी रीजन था और मैंने उस वीडियो में काफी हद तक बताया और वीडियो में भी हमने देखा कि अगर आपने नहीं देखी वीडियो जाके जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, इंडिया अपने काफ़ी मतलब फौजी स्पेस एजेंसी ईरान की यूज़ करके अफगानिस्तान भेज दी है, क्योंकि अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि इंडिया आए और हमारी हेल्प करे। तो इसी से रिलेटेड वीडियो इसको देखते हैं, उसके बाद मजे की डिस्कशन करेंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी ने क्यों वार किया ये तो हमें वीडियो में जाकर बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो काफी मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते मतलब इस रीजन में जैसे इंडिया की स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग है, चाइना की स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अफगानिस्तान की, ईरान भी काफी स्ट्रॉन्ग है कंट्री, लेकिन कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग आर्मी में उसका कंसीडर नहीं होता। उसके वेपन्स मतलब वेपन्स स्ट्रॉन्ग है, बाकी न्यूक्लियर पावर बनाने की सलाहियत रखते हैं, उन्होंने सुना बना भी लिया लेकिन छुपाया हुआ, अभी इसको शो नहीं किया, मतलब इस तरह की सलाहियत है। उसकी इकोनॉमी वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ईरान की तेल उन्होंने बहुत बेचा है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा ईरानी तेल पाकिस्तान में भी। लेकिन आर्मी अगर हम करें पावर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की हम मतलब समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है इस रीजन में, और बाकी ये छोटे मोटे नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की आर्मी का कोई मतलब मुकाबला नहीं है। तो डिफेंस में सबसे बजट जो होता है वो पाकिस्तान, यही तीन कंट्री लगा रहे हैं, मतलब अच्छा ही किस्म है बहुत ज्यादा। तो ये चीज है, बाकी इस वीडियो को देखने के बाद मेन चीज मिल गई कि पाकिस्तान आर्मी ने क्या मतलब वार्न किया इंडिया को, मतलब इंडिया ने क्या मतलब काम किया जो पाकिस्तान को जो है ना, ये तो देखकर नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अफगानिस्तान में स्थिति दिन बर दिन खराब होती जा रही है, तालिबान ने बहुत सारा ग्राउंड यहां पर कैप्चर कर लिया है और अब रिसेंटली देखो न्यूज़ ये आई है कि कांधार से भारत ने अपने डिप्लोमैट्स वापस बुला लिए हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पे है भारत, ये अफगानिस्तान है, ये मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पर, ये है कांधार शहर अफगानिस्तान का, ये काबुल है, काबुल अभी तक गिरा नहीं है, काबुल के डिफेंसेस अभी भी स्ट्रांग हैं, जो यहाँ पर गवर्नमेंट है ये काबुल को अभी भी पकड़ के बैठी है, मगर कांधार काफ़ी हद तक हाथ से निकल चुका है। इसलिए ना सिर्फ भारत ने, कई देशों ने, यहाँ पे रशिया ने, यूएस ने, वेरियस कंट्रीज़ ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए हैं। हाँ, काउंसलेट्स यहाँ पर अभी भी ओपन है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि काउंसलेट हमने क्लोज नहीं करी, इवन दो आप समझ लो कि बिना स्टाफ का, बिना डिप्लोमेट्स का काउंसलेट क्या होगा। तो ये देखिए बस एक वर्बल बात है कि काउंसलेट अभी बंद करी नहीं है, ओवरऑल कांधार तालिबान के हाथ में लग चुका है। अब देखिए पूरा फोकस है काबुल पर, काबुल पे आप अगर देखोगे आज के समय जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पे कई कंट्रीज ने अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इवन फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर रखे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कभी भी अगर मान लो तालिबान का बहुत बड़ा हमला होता है तो विद इन आवर्स, एक दो घंटे में सारे राजदूत, सारे जो एम्बेसडर हैं इनको काबुल से निकाल दिया जाएगा। नाउ इस बीच दो कंट्रीज बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, वो काफी हद तक खुश हैं ये डेवलपमेंट्स देखकर, वो दो देश हैं चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी ने तो यहाँ पे ओपनली अब ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स है अफगानिस्तान में ये डूब चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, इंडियाज इन्वेस्टमेंट्स सीम सिंकिंग इन अफगानिस्तान, वार्निंग आई है ये पाकिस्तान आर्मी से कि इन द फ्यूचर भी जो भी आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी थी, जो आपने यहाँ पे डैम बनाए थे, सारा पैसा यहाँ पे डूब चुका है, तालिबान का कंप्लीट कंट्रोल हो चुका है पूरे अफगानिस्तान में। और आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान यहाँ पे गलत है नहीं, तालिबान बहुत ही ज्यादा प्रो पाकिस्तान है। एक्चुअली तालिबान को आप अगर देखोगे ना, तालिबान कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री नहीं है, कोई उनका संविधान नहीं है, कोई उनके रूल्स नहीं है कि इस तरीके से वो काम करेंगे, एक तरीके का झुंड है यहाँ पे तालिबान, बस आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक लीडरशिप को फॉलो करेंगे, उनके कमांड हम सुनेंगे। नहीं तो वैसे आप अगर देखो तो कई आतंकवादी संगठन हैं जो तालिबान की हेल्प कर रहे हैं आज के समय अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, पाकिस्तान के कई टेरर ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, वहां से हजारों फाइटर्स ज्वाइन कर चुके हैं तालिबान को। और बाय द वे ये सारे फाइटर्स आए हैं पाकिस्तान से, इनमें से कई जो फाइटर्स हैं सो कॉल्ड फाइटर्स, ये 15-16 साल से भी कम है। रिसेंटली आपको याद होगा कि यूएस ने पाकिस्तान को उन कंट्रीज की लिस्ट में डाला था जो सप्लाई करते हैं या फिर नर्चर करते हैं चाइल्ड सोल्जर को, बच्चों को देते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर देयर जियोपॉलिटिकल पर्पस। तो पाकिस्तान का देखिए फुल सपोर्ट है आज के समय तालिबान को, इनके जो आतंकवादी संगठन है जिनके लीडर्स को आप देखेंगे पाकिस्तान में कभी कोई सजा होती नहीं है, वहां पे रैलीज निकालते हैं, ये तालिबान को लिटरली ग्राउंड पे सपोर्ट दे रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया के जो बनाए गए प्रोजेक्ट्स हैं इन अफगानिस्तान,
कल को ये टेरर ग्रुप्स उनको अटैक भी कर ले, उनको डिस्ट्रॉय भी कर दे, क्योंकि देखो पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है आम अफगानिस्तान के सिटीजन से, पाकिस्तान के लोगों को कोई मतलब नहीं है कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी आए, वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, वहाँ पे जो औरतें हैं उनको इक्वल राइट्स मिले। उन लोगों को बस ये चाहिए था कि इंडिया की प्रेजेंस ऑल टुगेदर अफगानिस्तान में खत्म हो जाए, जो अभी के लिए काफी हद तक होती हुई दिख रही है। क्योंकि आप अगर 2021 में अफगानिस्तान का मैप देखो तो जो ये डार्क रेड आपको एरिया दिख रहा है ये कंप्लीटली कंट्रोल्ड है बाय तालिबान। 80% से ऊपर जो एरिया है आज के समय अफगानिस्तान का ये कंट्रोल करता है तालिबान। जो यहाँ पर लाइट रेड कलर है यहाँ पे कंटेस्ट अभी भी जारी है, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपने आतंकवादी संगठनों को ये कह रहा है कि तालिबान को सपोर्ट करो, वेपन्स का सपोर्ट करो, उनको अगर फाइटर्स चाहिए फाइटर्स का सपोर्ट करो, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ये यहाँ पर एरिया है ये पूरा कैप्चर कर लेगा तालिबान बहुत ही जल्द। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी कई देश जिनकी एक्चुअली तालिबान के साथ काफ़ी अच्छी एक ट्यूनिंग है, फॉर एग्जांपल चाइना को आप अगर देखो, तालिबान काफ़ी बार कह चुका है कि चाइना हमारा दोस्त है, हम कभी भी उइगुर मुस्लिम्स को ट्रेनिंग नहीं देंगे अफगानिस्तान में। आपको पता होगा कि चाइना एक बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ वखान कॉरिडोर के थ्रू, तो चाइना का सबसे बड़ा डर यहाँ पर यह था कि तालिबान अगर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कई जो उइगुर मुस्लिम्स हैं जिन पे अत्याचार करते हैं ये यहाँ पर भाग के अफगानिस्तान में आकर ट्रेनिंग लेकर वापस एंट्री कर सकते हैं चाइना में, और उसके बाद चाइना में वाइड स्केल आतंकवादी हमले हो सकते हैं। तालिबान ने कहा है कि हैव नथिंग टू फियर डियर, हम आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चाइना ने प्रिकॉशनरी मेजर के लिए अपने सारे नागरिक अफगानिस्तान से पुल आउट कर लिए हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें भारत को कितना नुकसान हुआ है, देखिए टू बी ऑनेस्ट हमारी जितनी इकोनॉमी है उसके हिसाब से कोई इतना बड़ा लॉस भी नहीं हुआ कि हम झेल नहीं पाएंगे वगैरह। 2001 से आप अगर देखो तो हमने कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए अफगानिस्तान में रिलीफ वर्क के लिए, और उसके अलावा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे बिल्ड किया है, डैम्स बिल्ड किए हैं, ओवरऑल इंफ्रा पे ही हमारे जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ये 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। और ये सब इंडिया ने प्राइमरली किया था ताकि अफगानिस्तान के लोगों को पीने का पानी मिल सके यहाँ पर। तो तालिबान कल को जो इंडिया के बनाए हुए डैम्स हैं, जो सड़कें हैं, जो और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अगर डैमेज करता है तो घूम फिर के सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे अफगानिस्तान के आम नागरिक का ही यहाँ पे होने वाला है। बाकी इंडिया के कोई मिलिट्री बेस तो थे नहीं अफगानिस्तान में, मगर इस सब के बीच आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि पाकिस्तान इतना ओपनली सेलिब्रेट कर रहा है कि तालिबान कब्जा चुका है अफगानिस्तान को, इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है इनके हिसाब से जो ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं, और दुनिया भर के आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के आज के समय सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, इनको कोई बैकलैश फेस करनी नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, हिलरी क्लिंटन की एक बहुत ही फेमस कोट है 2011 की, उस वक्त ये यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी बराक ओबामा की गवर्नमेंट के अंडर, और जब ये पाकिस्तान में गई थी तो उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर ये कहा था कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर। इसका मतलब यह है कि अगर आप सांप पालोगे इस उम्मीद से कि ये सांप सिर्फ मेरे पड़ोसी को काटेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो पड़ोसी के साथ साथ आज नहीं तो कल आपको भी काटेंगे। सांप की एक फितरत होती है, नेचर होती है उसकी, और सिमिलरली जो आतंकवादी संगठन है इनकी भी नेचर होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से पाकिस्तान में 8-10 साल का एक दौर आए बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स का, क्योंकि देखिए हिस्ट्री काफ़ी बार खुद को रिपीट करती है, और जो फुलिश लीडर्स होते हैं जो बस दूसरों की बुराई का सोचते हैं, रीजन में इंस्टेबिलिटी का सोचते हैं, आज नहीं तो कल जो उनके बैड प्लान्स हैं उन पर ही बैकफायर कर जाते हैं। खैर अभी के लिए देखते हैं यहाँ पे होना क्या है, आने वाले कुछ साल डेफिनेटली रीजन के लिए काफ़ी टेस्टिंग होंगे, और एक बार तालिबान पूरा अफगानिस्तान कब्जा लेता है तो उसके बाद देखना होगा कि उनकी क्या पॉलिसी होगी रिगार्डिंग इंडिया एंड अदर कंट्रीज। एंड फाइनल ओके गाइज, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है ना हसन सेंसिटिव इशू है, ठीक है, तो क्योंकि तालिबान बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। अब बहुत सारे कंट्रीज को इससे खतरा भी लग रहा है, रशिया इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बेसिकली इंडिया और रशिया। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने बताया कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे वो रशिया जा रहे थे, लेकिन अचानक जो है ना ईरान चले गए, क्योंकि ईरान में अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान मुजाकरात का जो है ना काम हुआ था अभी कुछ, मतलब 4-5 डेज पहले की बात है, ठीक है। मतलब अब इतना इंटरेस्ट ले रहा है इंडिया इन चीज़ों में, क्योंकि वाकई इनको जो है ना कुछ नजर आ रहा है, खतरा नजर आ रहा है इंडिया को, रशिया को, ठीक है। उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर रशिया गए, समझ आ रही है, क्योंकि मसला ये है कि जिनके जो बॉर्डर है ना, मतलब किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान, रशियन स्टेट्स के, ये भी अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, ठीक है। okay. और तालिबान के कंट्रोल होगा जो है ना, पूरा कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर, तो वो वहां से पीओके से इंडिया के अंदर भी जा सकते हैं, मतलब इंडिया को यहाँ से उनसे भी खतरा है। और बेसिक इसमें ये भी बात आ रही है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल इंटरेस्ट लेने से जो मतलब जो ऑफिशियल लेवल है, गवर्नमेंट लेवल है, उस पर इंकार कर दिया है।
यूएस ने कहा कि हमें जो अड्डे दिया जाए इंडिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मतलब हम किसी सूरत भी नहीं देंगे, ठीक है ना। मतलब पाकिस्तान बता रहा है कि हम दूसरों की जो पंगेबाजी है, दूसरों की जो फाइट्स हैं फॉरेन कंट्रीज की, उसके अंदर हम अब अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, अब जो करना खुद करो, अमेरिका ने मतलब अफगानिस्तान के अंदर कुछ जंग करनी है करो, नहीं करनी जाओ, हमें करो, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लेवल पे ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और तालिबान वाकई बहुत ज्यादा कंट्रोल कर चुके हैं इस पे, वाकई उन्होंने सही कहा है कि जो असल जो मतलब इसमें उन्होंने खतरे की बात रशिया वाली नहीं बताई, हालांकि खतरा है रशिया को और इंडिया को काफी इनसे जो ना मतलब इस चीज लिहाज से भी खतरा है कि जैसे उन्होंने बताया इन्वेस्टमेंट तो वाकई डूब जाएगी सारी इंडिया की या रशिया ने जो की हुई है, जो जो कंट्रीज तालिबान के अगेंस्ट थे या कोई भी सीन है जैसे, ठीक है ना। तो तालिबान वैसे हम कह सकते हैं जो कि मतलब जैसे हमने कहा था वैसे भी हर जगह पर शिद्दत पसंद या जो एक्सट्रीम लेवल के होते हैं ना किसी भी रिलीजन के अंदर वो हैं वो तालिबान, तो वो किसी भी सूरत मेरे ख्याल से इंडिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, ये बात दुरुस्त है। और 80% एरिया हसन कोई जगह होती है यार किसी कंट्री की, बहुत ज्यादा 50% भी नहीं 80% मतलब डोमिनेट हो चुके हैं सब, तो बहुत ज्यादा अमरीका उनके सामने घुटने टेक चुका है, अमरीका वापिस जा रहा है, इतनी वो कह रहा है हमारी वो कह रहा है हमारी तोबा। अमेरिका से पहले रशिया भी आया था तालिबान के अगेंस्ट, वो भी नाकाम होकर चला गया, तो इससे सोचा जा सकता है कि तालिबान कितने मतलब जो है खतरनाक साबित हो सकते हैं किसी भी ऐसे कंट्री के लिए जिन्होंने उनके अगेंस्ट पहले कुछ स्टेटमेंट्स या फिर कुछ एक्शंस लिए। तो इसलिए हर कंट्री को जाना सोचना पड़ रहा है, अपना सोचो विचार करना जरूरी है, तो वो कर रहे हैं। तो ये सारा सीन चला, तो इस पर पाकिस्तान आर्मी ने बाकी बिल्कुल दुरुस्त बात, टाइटल मुझे दुरुस्त लगा, बिल्कुल सही वार्न किया इंडिया को, भाई अब कुछ भी हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है ना। So guys, मैं समझा था कि पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी को कोई मतलब कोई वार्निंग दी होगी कि आप इसमें दखल ना करें, दखल लगा, मतलब मुझे टाइटल से ये लगा, लेकिन अब क्लियर हुई है बात कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा पाकिस्तान आर्मी ने कि भाई आपकी अब जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है वो डूब सकती है आराम से, अगर जो है ना पूरा कंट्रोल कर लिया तालिबान ने तो, और ये वाकई हकीकत भी लगती है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, अब तालिबान कंट्रोल ओवर पूरा अफगानिस्तान को करते हैं, अगर कर लिया तो वहां पे जो है ना बहुत जो है ना मैं कहता हूँ कि सख्त किस्म के इकदाम और फैसले होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो हो गए मतलब वो फिर डरेंगे नहीं किसी भी कंट्री से, हमें पाबंदियां लग जाएंगी ये वो, उन्होंने जो करना फिर वो कर देंगे, मतलब इस तरह के अफगानिस्तान लग रहे हैं मुझे, वो पहले मिलता था गाँव जिसे कहते हैं वो पहले मिलता था 750 रुपए का, उसकी कीमत को डबल करके 1500 का उसका कर दिए वैल्यू रख दिए। और जो दूसरी बात ये कि वहाँ जो स्टडी एजुकेशन है उसमें ये लिमिट लगा दी गई है कि एक लड़की 6th क्लास के बाद नहीं पढ़ सकती, ये तालिबान की मतलब उसमें शामिल है। हाँ ये शरायत जो 14 साल पहले वही शरायत दोबारा लगना स्टार्ट हो गई, और एक्सट्रीम केस में औरत जो है जो फीमेल हजरात हैं वो बाहर निकल सकती हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकती, ये तो काफी स्ट्रिक्ट रूल है मेरे ख्याल से। और इस वजह से अफगानी जितने भी जो सेलिब्रिटीज हैं जो फैशन शो में और मतलब ड्रामे वगैरह फिल्म वगैरह करते हैं उनके लिए ये काफी मतलब झटके वाली बात है, वो तो मुझे अफगानिस्तान को मतलब छोड़ के बाहर चले जाएंगे फॉरेन कंट्री में, क्योंकि वो तो नहीं रह सकेंगे मुझे जहां तक लगता है, अगर इतने स्ट्रिक्ट रूल आ गए तो हाँ। तो काफी हालात चेंज होने वाले हैं यार अगर इस तरह का काम हो गया तो, exactly. मेरे ख्याल से कोई भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा जो 50% भी ओपन माइंडेड या जो है ना ग्रूम करना चाहता है आगे अपनी सोच उसकी जो है ना इस तरह की है, तो वो मेरे ख्याल से नहीं रह सकेगा अफगानिस्तान के अंदर। सो गाइस अगर आपके पास कोई सजेशन है कोई कमेंट में कोई अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन को रीच करिएगा या इंस्टाग्राम पर हमें डीएम भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, काफी वीडियो लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।